संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर्षीय प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/tatvaarth पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्चन भी कर सकते हैं। आप टीम और हम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी, सीधे बैठे हैं। गहरी लंबी श्वास लेकर आंखें बंद करें। केवल एक बार श्वास गहरी लंबी लें, कोई श्वास को फेंकने का काम ना करें। शांति से पूरे शरीर को अपने भीतरी मन से देखते हुए अपने पूरे शरीर में फैली हुई अपनी आत्मा को महसूस करें। उस आत्मा से बंधे हुए कर्मों को महसूस करें। मेरे ज्ञानावरण कर्म के उदय से मेरी आत्मा में पूर्ण ज्ञान का फल नहीं मिल रहा है। मेरे पास शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं, माने श्रुत ज्ञान मेरे पास पूर्ण नहीं है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का भार मेरी आत्मा पर है। अवधि ज्ञान, मनह परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान भी मेरी आत्मा में दबे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं इन ज्ञानावरणी कर्मों के कारण से। मतिक ज्ञान भी थोड़ा सा है। जैसा मेरे साथ है वैसा ही संसार के इस भरत क्षेत्र में दिखने वाले सभी जीवों में महसूस हो रहा है। संसार की सभी आत्माएं इन पांचों ही प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों के भार से बंधी हुई हैं। ज्ञानावरण कर्म के फल से मुझे ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा। ये मेरे ज्ञानावरण कर्म का फल है, महसूस करें। मेरे दर्शनावरण कर्म के फल से मुझे अपनी आत्मा से कुछ भी दर्शन नहीं हो रहा। केवल दर्शन, अवधि दर्शन, सभी मेरे आंखें लुप्त पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं। हे भगवान, मेरी आत्मा में बहुत सारे कर्मों के यह तीव्र उदय चल रहे हैं।
वेदनीय कर्म भी मुझे थोड़ा सा सुख देता है, दुख भी बहुत ज्यादा है, ये सुख और दुख भी मुझे इस वेदनीय कर्म के कारण से यदा कदा मिलता रहता है। संसार के सब जीव इसी वेदनीय कर्म के कारण से सुख दुख भोग रहे हैं। सभी जीवों में सुख दुख का मूल कारण उनके कर्मों का फल है, लेकिन यह किसी को ज्ञात नहीं। सब भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में सुख दुख मान रहे हैं। सभी जीव वस्तुतः इन्हीं कर्मों का वेदन कर रहे हैं, फल भोग रहे हैं। इन कर्मों का फल हमारी आत्मा पर पूर्ण रूप से छाया हुआ है। इसी के कारण मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का सुख कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा। जैसे मेरी आत्मा में यह कर्मों का भार है, वैसे ही संसार की सभी आत्माओं में है। ऐसा हर एक जीव के अंतर आत्मा के कर्मों को देख करके महसूस करें। भावना करें, मेरे ज्ञानावरण कर्मों का नाश हो, मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। निरंतर मन में विचार करें, मेरी आत्मा के ज्ञान को कर्मों ने ढक रखा है, इनका अभाव हो, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। आत्मा के दर्शन को दर्शनावरणी कर्म ने ढक रखा है। मैं सब कुछ देखने की क्षमता रखता हूं। दर्शनावरणी कर्म ने मेरी शक्ति को बांध रखा है। दर्शनावरणी कर्म का फल कितना विशिष्ट है। ओ मरहम नमः।
मुझे जो सुख का वेदन हो रहा है यह सातावेदनी कर्म का फल है। जो मुझे चिंता रोग अनेक तरह के अभाव परेशानियां यह सब मेरे असातावेदनी कर्म का फल है। इन कर्म फलों का मैं विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, मेरी आत्मा के ऊपर अनेक इन कर्मों का भार है जिसके कारण मैं पराधीन हूँ, परतंत्र हूँ। इस धर्म ध्यान से मैं धीमे धीमे स्वतंत्रता को प्राप्त करूंगा, कर्म बंधन से मुक्त होऊंगा। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। मंजू जैन जी देहरादून से प्रश्न करती हैं, यथाख्यात चारित्र कौन से गुण स्थान में होता है, ग्यारहवें या बारहवें में? यथाख्यात चारित्र कौन से गुण स्थान में होता है, ग्यारहवें या बारहवें? यथाख्यात चारित्र ग्यारहवें में भी होता है, बारहवें में भी होता है, तेरहवें में भी होता है और चौदहवें में भी होता है। सुन लिया, ध्यान रहेगा। यथाख्यात चारित्र का गुण स्थान कितने? चार। ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, सब बच्चों को याद हो गया। नमस्ते मुनिश्री। मंजू जैन जी अलवर राजस्थान से प्रश्न कर रही हैं, मेरी जिज्ञासा है कि गंधर्व परमेष्टि की कितनी रिद्धियां होती हैं, 63 या 7? मेरी शंका का समाधान कीजिए। टोटल रिद्धियां तो 64 होती हैं। गंधर्व परमेष्टि की मुख्य रूप से जो रिद्धियां मानी जाती हैं वो अगर हम भेद किए बिना संक्षेप से समझते हैं तो वो 7 रिद्धियाँ होती हैं। उन्हीं 7 रिद्धियों के भेद करके वो रिद्धियाँ 63 या 64 हो जाती हैं। तो मूल भेद जो होते हैं, बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बल रिद्धि आदि, ये 7 भेदों में आ जाती हैं। अब अगर हम उसके भेद और प्रभेद करते चले जाते हैं तो वो सब मिला करके 64 हो जाती हैं। अब उसमें केवल ज्ञान की रिद्धि भी जुड़ जाती है तो केवल ज्ञान की एक रिद्धि कम करने से 63 रिद्धि भी हो जाती हैं। तो ऐसे भेद विवक्षा से और अभेद विवक्षा से उन रिद्धियों का विभाजन समझना चाहिए। नमस्ते मुनिश्री। कुसुम जैन मंदसौर से प्रश्न करती हैं, सर्वार्थ सिद्धि और ज्ञानार्णव शास्त्र को पढ़ने से हमें तत्वार्थ सूत्र थोड़ा समझ में आ सकता है? सर्वार्थ सिद्धि को समझने से तो तत्वार्थ सूत्र बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा ही, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र की सर्वप्रथम टीका सर्वार्थ सिद्धि ही है। ज्ञानार्णव का विषय अपने तरह से योग आदि के ऊपर निर्भर है और वह अनेक बारह भावनाओं आदि के विषय को लिए हुए है, ध्यान आदि के विषय को लिए हुए है। तो सब चीज़ों में, सभी ग्रंथों में सभी विषय निहित होते हैं। अब आपको कौन सा विषय समझना है ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ ही पर्याप्त है तत्वार्थ सूत्र को समझने के लिए।
नमस्ते मुनिश्री, जेडी शाह ब्याट गुजरात से प्रश्न करते हैं। विज्ञान के लिए मन को ब्रेन माना गया है जो मस्तिष्क में है, जबकि धन इसे सीने में 8 पंखड़ी वाला कमल बताता है। ब्रेन यानी मन विचार और संवेदन करता है, ब्रेन मन नहीं है, तो धर्म के लिए ब्रेन को क्या माना गया है? ऐसा समझना चाहिए कि जो जैन दर्शन में 8 पंखड़ी वाला मन माना गया है, वो उस मन को यानी मन के अंदर विचार उत्पन्न होने का एक पहले मुख्य ओरिजिन पॉइंट होता है। फिर उसका फंक्शन दिखाने के लिए हमें उसके इक्विपमेंट की तरह अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आज जैसे हम ब्रेन कह रहे हैं, वो ब्रेन हमारा उस मन का एक इक्विपमेंट है ना। जैसे कोई भी टीवी वगैरह होती है तो उस टीवी का ऊपरी ढांचा होता है, स्क्रीन होती है, और उसके अंदर अनेक तरह के उसमें सिस्टम लगे रहते हैं। तो वो सिस्टम जो है वो बहुत ही पॉइंट से जुड़े रहते हैं। तो मन जो है उसी पॉइंट की तरह समझना चाहिए। अब उसको हमें मैनिफेस्ट करने के लिए जो हमें सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम हमारे ब्रेन के थ्रू, हार्ट के थ्रू वो सब बनता है। तो ये सब उसके इक्विपमेंट हैं। और मन जो वास्तव में जहाँ से जनरेट होता है, वो हृदय में अष्टपंखुड़ी के उस स्थान से ही जनरेट होता है, ऐसा समझना चाहिए। नमस्ते मुनिश्री, सुनीता सुनील जी प्रश्न कर रही हैं महाराष्ट्र से। रिद्धिधारी मुनि कहाँ हैं? रिद्धिधारी मुनि विदेश क्षेत्र में हो सकते हैं, और जो विद्याधर राजा लोग भी जो मुनि बनते हैं, वो भी अपनी विद्याओं को छोड़ करके बनते हैं, लेकिन बाद में उन्हें भी सिद्धियां हो सकती हैं, रिद्धियां हो सकती हैं। तो विदेह आदि क्षेत्रों में जो मुनि बनते हैं वो रिद्धिधारी मुनि होते हैं, और आज भी उन रिद्धियों के प्रयोग करके वो सर्व जहाँ उन्हें जाना है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। नमस्ते मुनिश्री, ममता जी वाचन से प्रश्न कर रही हैं, असिद्धत्व का क्या अर्थ है? असिद्धत्व का मतलब होता है जब तक कि सिद्धपना ना आए। सिद्धत्व माने सिद्धपना, सिद्ध होने का भाव। जब तक सिद्धपने का भाव नहीं आता, तब तक वह असिद्धत्व भाव कहलाता है। यानी जब तक जीव आत्मा सिद्ध न बने, तब तक वह असिद्ध कहलाएगा। भले ही वो अरिहंत बन गया है, तो अरिहंत भी अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए अरिहंत के अंदर भी सिद्धत्व का भाव नहीं माना गया। वह सिद्ध बनने पर ही सिद्ध बने का भाव आएगा। उससे पहले जो भी कर्म का उदय है, उसके कारण से वह औदयिक भाव के रूप में कहा जाएगा। नमस्ते मुनिश्री, विभा जैन जी गाजियाबाद से प्रश्न कर रही हैं, कर्मों के क्षयोपशम को उपयोग का अंतरंग हेतु क्यों माना गया है? आत्मबोध बहिरंग हेतु क्यों नहीं, जबकि कर्म वैगणाए तो वास्तव में जीव से पृथक है, सिर्फ संसारी दशा में मुनि जुली है। सबसे पहले कोई भी काम आत्मा के अंदर शुरू होगा तो कर्म के क्षयोपशम से ही शुरू होगा, और कर्म के क्षयोपशम को ही मुख्य कारण माना जाता है। उस कारण के बिना कोई भी कार्य शुरू नहीं होता। आपके अंदर अगर ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, तो ज्ञान ही नहीं होगा। तो कर्म बरगणा बहिर्भूत नहीं है, कर्म बरगणाएं आत्मा से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं कर्म बरगणाओं का क्षयोपशम होगा, अभाव होगा, तभी जो है ज्ञान आदि प्रकट होंगे, इसलिए वो अंतरंग कारण ही माना जाता है। नमस्ते मुनिश्री, राजेंद्र कुमार छाबड़ा महाराष्ट्र से प्रश्न करते हैं, कर्मों को दबा देना और कर्मों को उदय में ना आने देना, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों का प्रयोजन तो एक ही है, कर्मों को उदय में आने से रोकना। छह तो किसी भी कर्म का यहाँ नहीं होता, तो फिर उदयाभावी छह में छह शब्द का प्रयोग भी भ्रम पैदा करता है, कृपया समाधान कीजिए। प्रश्न तो आपका अच्छा है। दबा देने का मतलब ऐसा समझना चाहिए, जब हम दबा देने की बात करें तो एक होता है, आप इसको अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें, हम बता दे रहे हैं, एक होता है प्रशस्त उपशम और एक होता है अप्रशस्त उपशम, है ना। प्रशस्त उपशम वो होता है जिसमें करण परिणामों के माध्यम से उसको दबाया जाता है, जैसे अधःकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, ये करण हुए, उसके बाद में मिथ्यात्व को दबा दिया। तो जो अंतर्मूर्त के लिए उपशम सम्यक दर्शन हुआ है, वो प्रशस्त उपशम से हुआ है। अब उसके बाद में जो उपशमन होगा, वो उपशमन तो कहलाएगा, लेकिन वो प्रशस्त नहीं रहा। अब उसका उपशमन का काल पूरा हो गया, अंतर्मूर्त काल पूरा हो गया, अब उसके क्षयोपशम की दशा आ गई। तो उसमें वो दबा हुआ भी है, और दबे होने के साथ से उसको निकल भी रहा है। यूँ समझो कि हमने उसके प्रेशर को दबा दिया, जैसे कहीं से बहुत पानी का प्रेशर आ रहा हो, तो हमने उसके ऊपर रोक लगा दी, कुछ नाली थी, ईंट रख दी, फिर भी उसमें से कुछ रिस रहा है ना।
तो जो रिस रहा है उसको हम जाकर के फिर कंट्रोल करते हैं, तो वो करते हैं उदय भावी छह के माध्यम से, माने उसके जो उदय को हम कंट्रोल करेंगे लास्ट पॉइंट पे जाकर के कि ये अपना फल ना दे पाए, तो उसका नाम होता है उदय भावी छह। और उससे पहले हमने उसके जो प्रेशर को जो दे करके जो हमने उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल किया है, ये उसका उपशमन है। तो इस उपशमन को अप्रशस्त उपशमन समझना चाहिए, पूर्ण उपशमन नहीं समझना चाहिए जो प्रशस्त उपशमन के साथ होता है, ऐसा थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। नमस्ते मनीष जी, निगम जैन जी दिल्ली से प्रश्न करती हैं, हमारा कौन सा कर्म ऐसा है कि जिस वजह से हम जो पढ़ते हैं या सुनते हैं वो हमें याद नहीं रह पाता है, ऐसा हम क्या करें जिससे हमें यह सब चीजें याद होने लगे? ये प्रश्न सभी महिलाओं का कॉमन रूप से रहता है, अब महिलाओं का क्या पुरुषों का भी रहता है, तो आपको इसके लिए इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी कहा है कि आप पढ़ते लिखते रहने की बराबर कोशिश करते रहें, क्योंकि होता यह है कि आपने पढ़ने के समय पढ़ लिया, बाद में फिर आप अपने घर गृहस्थी के कामों में लग गए, तो उन चीज़ों पर अपन बराबर ध्यान नहीं देते, इसलिए वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट नहीं होती, तो इसलिए उस पर टाइम देने की ज़रूरत होती है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, उसी जिज्ञासा में अपना मन लगा के रखेंगे, तो वो सब चीज़ें याद भी रहती हैं, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, अपने बच्चों से नाती पोतों से टाइम निकालना पड़ता है। नमस्ते मनीष जी, संगीता गोभाणे अकोला से प्रश्न करती हैं, हमारा मिथ्यात्व छूटा और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, यह हम कैसे पहचान सकते हैं? घर में रहकर भी हम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहचानने की इतनी उतावली आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का काम ये होना चाहिए कि हमें जो सम्यक्त्व के लक्षण बताए गए हैं, सम्यक दृष्टि होने पर जो सम्यक्त्व के 8 अंग होते हैं उनके अनुसार जो हमारी क्रियाएं होती हैं, वो भाव हमारे अंदर आ रहे हैं कि नहीं, इसको देखना चाहिए, है ना, और इसी पर फोकस करके अपने को उसके अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। तो बहुत जल्दी अपने को ये नहीं समझना चाहिए कि सम्यक दृष्टि हो गए हैं तो हमारे लिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना पुरुषार्थ करते रहें, वो चीज़ें पुरुषार्थ करते रहने से कभी ना कभी अपने को अचीव हो जाती हैं। नमस्ते मुनिश्री, दर्शना संगाई जी प्रश्न कर रही हैं, दो कारणों से 3 प्रकार का सम्यक दर्शन कैसे होता है? कारण तो 2 बहिरंग और अंतरंग कारण होंगे, सम्यक दर्शन तो 3 भेद अपने उन्हीं कारणों से ही होंगे, चाहे वो अपसमिक सम्यक दर्शन हो, चाहे छह उपशम हो, चाहे छायक हो, वो सम्यक दर्शन के 3 भेद कर्मों की उपशम आदि दशाओं पर निर्भर हैं, लेकिन कारण का मतलब अंतरंग कारण और बहिरंग कारण, तो 2 कारण हमेशा किसी कार्य के लिए होते हैं, कार्य कितने ही हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। नमस्ते मुनिश्री, मनीषा सुनील कासलीवाल जी औरंगाबाद से प्रश्न कर रही हैं, एक इंद्रिय जीवों में हम श्रुत ज्ञान को कैसे घटाएं, कृपया उदाहरण देकर समझाइए। कोई बात नहीं है, एक इंद्रिय जीवों में भी श्रुत ज्ञान होता है, अब अगर उदाहरण तो तब समझ में आएगा जब आपको जीव समझ में आए, जब हम एक इंद्रिय जीव को ही नहीं दिखा सकते तो हम आपके लिए उदाहरण दे करके उस श्रुत ज्ञान को कैसे समझा सकते हैं। तो उदाहरण उसके लिए दिया जाएगा जो चीज़ आपको देखने में आए, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव आपको देखने में मिलते हैं, उनमें श्रुत ज्ञान जिस तरीके से आपको दिखाई देता है वैसे ही श्रुत ज्ञान हम एक इंद्रियों में समझ सकते हैं, है ना। अब जिस तरीके से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीवों में, वह श्रुत ज्ञान सिर्फ इतना ही काम करता है कि हर व्यक्ति को जितनी इंद्रियां मिली हैं उस इंद्रियों पर अगर कोई आघात पहुँचता है, उसके जीवन पर कोई आघात आता है, तो वह उससे अपने आप को बचाने की जो कोशिश करता है वही उसके लिए श्रुत ज्ञान कहलाता है। मतिक ज्ञान से एक इंद्रिय ज्ञान हो गया, सेंसेशन हो गया कि हमारे लिए कुछ है, हो रहा है, और ये भाव आना कि अब इससे हमें बचना है क्योंकि ये हमारे जीवन की रक्षा में नहीं है, तो ये हमारा श्रुत ज्ञान हो गया। तो सभी विकलेंद्रीय जीव भी इसी तरह से श्रुत ज्ञान को अभिव्यक्त करते हैं, तो उसी तरह से एक इंद्रिय जीवों में समझना चाहिए। अब आपको जीव तो दिखाई दे तब हम आपको श्रुत ज्ञान दिखाएं, उसमें आप हमें जीव दिखा दो तो हम उसमें श्रुत ज्ञान दिखा देंगे। नमस्ते मुनिश्री, मेघा सेठी नवी मुंबई से प्रश्न कर रही हैं, धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते समय सब कुछ समझ आ जाता है, विषय कुछ आसान लगता है, किंतु कुछ वक्त बाद ऐसा लगता है हम इस संसार में रच पच गए और सब कुछ सीखा हुआ भूल गए, इस शिक्षा को जीवन में कैसे बनाकर रखें? शिक्षा को जीवन में बनाए रखने के लिए जीवन पर्यंत तक शिक्षा लिए लेने का भाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने आज तत्वार सूत्र पढ़ लिया है तो एक बार पढ़ लिया है तब हम फ्री हो गए, या 2 साल बाद हम सोचें हम तो वो पहले पढ़ चुके हैं। हमें वो चीज़ें निरंतर पढ़ती रहनी चाहिए, जब हम निरंतर पढ़ते रहेंगे तब हमारे जीवन में वो शिक्षा निरंतर बनी रहेगी और उसी के माध्यम से हमें कभी ना कभी उससे जो प्रेरणा मिलनी चाहिए वो मिलेगी।
कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में वो टाइम आपके लिए नहीं होता है कि वो चीज़ें आपके सामने हैं और उनसे जो शिक्षा के माध्यम से जो प्रेरणा मिलनी चाहिए वो आपको मिल पाए। वही प्रेरणा आपको कभी किसी अच्छे समय पर जब आप सुकून से फिर से पढ़ेंगे तो आपको प्रेरणा मिल सकती है। नमस्ते मुनिश्री, सुरेश पहाड़े पनवेल से प्रश्न कर रहे हैं, अवग्रह इहा आवाय धारणा किन किन जीवों में होती है? सभी जीवों में होते हैं, इन सब के अपने अपने कर्मों के छह उपशम अलग अलग होते हैं। अवग्रह इहा अवाय इन सब के अपने अपने छह उपशम होने के कारण से ही सभी जीवों में इन अवग्रह आदि की जो क्षमताएं हैं समझने की, जिज्ञासा रखने की, उसका निर्णय करने की, वो सबकी अलग अलग होती हैं। तो इस सभी जीवों में कर्मों के छह उपशम पाए जाते हैं। नमस्ते मुनिश्री, पूजा जैन इच्छाल कारण जी से प्रश्न करती हैं, इस पूरे खाली आकाश में निगोद जीव किस रूप में है? निगोद जीव सर्वत्र भरे हुए रहते हैं। एक बादर निगोद होते हैं, एक सूक्ष्म निगोद होते हैं। तो बादर निगोद के लिए तो फिर भी कोई आधार चाहिए पड़ता है, सूक्ष्म निगोदों के लिए कोई आधार की आवश्यकता नहीं होती है। जल स्थल आकाश सर्वत्र वह सूक्ष्म निगोद अपना वास कर सकते हैं, करते हैं। उन्हीं सूक्ष्म निगोदों से यह पूरा लोक भरा हुआ रहता है। नमस्ते मुनिश्री, मैना एफ बोहरा बेंगलोर से प्रश्न कहती है, मोबाइल चलाने में चेतन या अचेतन कौन से तेजस काय का उपयोग होता है व कैसे? मोबाइल चलाने में तेजस काय का उपयोग कैसे होगा? काय का संबंध तो शरीर से रहता है। अगर आप तेजस शरीर की बात कर रहे हैं तो तेजस शरीर तो उन जीवों में पाया जाता है जो जीव इस तरह से कोई भी अग्नि आदि के रूप में अपने को दिखाई दे रहे हों। तो मोबाइल चलाने में अगर कहीं कुछ उपयोग होता है तो वह विद्युत का उपयोग होता है, और उसमें जो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो कई बार इस तरह की चार्जिंग के साथ भी रहती है कि वह काम करती रहती है, और उसमें आपके लिए अगर होगा तो अग्नि का एक जीव अगर वहाँ पर किसी भी रूप में कोई उष्णता हमें उस एपरेटस में दिखाई देगी तो हम कह सकेंगे कि वो अग्नि का एक जीवों के संबंध से वह उष्ण हो रहा है। तो अगर मोबाइल चलाते चलाते गर्म होता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें अग्नि का एक जीवों की भी खपत हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, और उनका भी उसमें नाश होता है। नमस्ते मुनिश्री, रक्षक जी अहमदनगर से प्रश्न कहते हैं, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव का गुण स्थान कौन सा होता है? ये तो बताया है, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव तृतीय गुण स्थान में होते हैं। उसी गुण स्थान का नाम ही सम्यक मिथ्यात्व है, उसी को ही मिश्र गुण स्थान कहते हैं। नमस्ते मुनिश्री, प्रतिभा मेघल नागपुर से प्रश्न करती है, कमलों की रचना और पुष्प वृष्टि भोगंत्राय कर्म के छह से होती है, तो उपभोगंत्राय कर्म के छह से छह प्रातिहारे होंगे, कृपया समाधान कीजिए। ऐसा हम विभाजित न करें तो अच्छा होगा, ये तो समझाने के लिए है। भोगंत्राय कर्म के उदय से जो हमको दिखाई दे रहा है उसको उसी रूप में समझें, और उपभोग अंतराय कर्म के छह से जो बताया गया है उसको उसी रूप में समझें, चाहे वो छत्रत्र हों चाहे भामंडल हों। अगर वह हम उपभोग के रूप में उनको स्वीकार करते हैं तो उसे हम उपभोग अंतराय कर्म के छह से कह सकते हैं। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि ये सभी चीज़ें देवों की विक्रिया शक्ति के माध्यम से होती हैं, तो हर चीज़ अंतर अंतर मुहूर्त में अपना स्वरूप बदलती रहती है। ये सिर्फ समझाने की एक पद्धति है, अगर ऐसा ही होता तो फिर भगवान के समोसरण छोड़ने के बाद भी वो चीज़ें भगवान से छूटनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो छूटती हैं। नमस्ते मुनिश्री, प्रेमा कासलीवाल खामगांव से प्रश्न कर रही है, अनादि अनंत सादी अनंत सादी संत अनादि संत, यह भाव समझ में नहीं आए, कृपया पुनः समझा दीजिए। अब समझाने की कोशिश तो उस समय पर भी की गई होगी जिस समय पर आपको शंका उत्पन्न हुई है। जो भाव अनादि काल से आ रहा हो और अनंत काल तक रहे वो अनादि अनंत हो गया। जैसे अभव्यों का भाव है, अभव्य जीव अनादि काल से हैं अनंत काल तक रहेंगे, है ना। फिर अनादि शांत, जो भाव अनादि काल से तो आ रहा है लेकिन शांत हो गया, जैसे मिथ्यात्व भाव है अनादि काल से आ रहा है
उसका भव्य ने अंत कर दिया तो अनादि शांत हो गया। फिर सादी अनंत जो भाव एक बार उत्पन्न हो गया अनंत काल तक रहे, जैसे छायक सम्यक दर्शन का भाव है, एक बार प्रारंभ होगा अनंत काल तक रहेगा, ये सादी अनंत भाव हो गया। सादी शांत भाव जो भाव एक बार उत्पन्न हो गया लेकिन बाद में अंत को प्राप्त हो जाएगा, जैसे छोपसम सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक दर्शन आदि ये भाव है, ये सादी शांत भाव हो गए, इस तरीके समझना चाहिए। नमस्ते मुनिषि, शोभा जैन जी दिल्ली से प्रश्न कर रही है, नौ कर्म किसे कहते हैं? कर्मों के सहयोगी जो पदार्थ होते हैं वो नौ कर्म कहलाते हैं। जैसे हमारे शरीर को भी हम नौ कर्म कहते हैं, कर्म का सहयोगी हमारा शरीर है, ये नौ कर्म कहलाया। अलग अलग कर्मों के भी अलग अलग नौ कर्म होते हैं, जैसे निद्रा कर्म है तो उस निद्रा कर्म का जो सहयोगी बने, माने जिस पदार्थ के खाने पीने से आपको निद्रा आए, वो उस निद्रा का नौ कर्म कहलाएगा। इसी तरह से सब कर्मों में लगा लेना चाहिए। नमस्ते मुनिश्री, ज्योति लोहाड़े कोपर गांव से प्रश्न करती है, वीर्यंत्राय के छेपशम की कमी से उत्साह नहीं होता, तो छेपशम को हम बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, छेपशम बढ़ते भी हैं, जितना छेपशम हमें प्राप्त है अगर हम उसका सदुपयोग करते रहें और हम उसका ध्यान रखते हुए बार बार उसमें अपनी शक्ति लगाते रहें तो शक्ति थोड़ी सी बढ़ती भी है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ जाती है कि हम सब कुछ कर लें, लेकिन थोड़ी शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, ये सबके लिए अनुभूति में भी आ सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। नमस्ते मुनिश्री, जेके चैन जी रोहिणी से प्रश्न कहते हैं, अनंतानुबंधी कषाय चारित्र मोहिनी कर्म के वंश की कही गई है, लेकिन चारित्र की उत्पत्ति में इसका कोई रोल नहीं है, तो यह कषाय चारित्र मोहिनी कर्म के वंश में क्यों रखी गई? दूसरी बात, अनंतानुबंधी कषाय सम्यक दर्शन का घात कहती है, तो यह कषाय दर्शन मोहिनी कर्म के वंश में रखनी चाहिए थी, ऐसा विरोधाभास क्यों? ये विरोधाभास नहीं है, इसका समाधान आचार्यों ने द्विमुखी प्रकृति के माध्यम से दिया है, है ना? इसका स्वभाव कैसा है? द्विमुखी स्वभाव है, माने दो मुख वाला स्वभाव है। कुछ ऐसे सर्प होते हैं ना जिनके दो मुख होते हैं, जानते हो ना? हाँ, तो ये अनंतानुबंधी कषाय भी एक ऐसा सर्प है जिसके दोनों मुख हैं, दर्शन मोहिनी के माध्यम से भी और चारित्र मोहिनी के माध्यम से भी, इसके दोनों तरीके के रोल अपने लिए देखने को मिलते हैं, ऐसा जानना। नमस्ते मुनिश्री, मनीषा जैन जी औरंगाबाद से प्रश्न कहती हैं, स्त्री कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकती है? आप लोगों को कितनी बार समझाया है कि स्त्री पुरुष में सम्यक दर्शन को लेकर के भेद मत किया करो, है ना? स्पष्ट रूप से एक बार जान लो कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष का कोई भी जो है विभाजन कहीं पर नहीं है। जो सम्यक दर्शन पुरुष प्राप्त कर सकता है इस पंचम काल में, वही सम्यक दर्शन स्त्री भी प्राप्त कर सकती है। तो स्त्री के लिए भी उपशम सम्यक दर्शन होना, क्षयोपशम सम्यक दर्शन होना कोई बाधा को प्राप्त नहीं है। क्षयक सम्यक दर्शन वर्तमान में किसी को नहीं होता। नमस्ते मुनिश्री, डॉक्टर अनिल जैन जी सागर से प्रश्न कहते हैं, छायिक सम्यक्त्व एवं छायिक दर्शन में क्या अंतर है? छायिक सम्यक्त्व तो सम्यक दर्शन का छायिक भाव है, छायिक दर्शन जो दर्शनावरणी कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ भाव है वह छायिक दर्शन कहलाता है, जो छायिक ज्ञान के साथ में काम करता है वो छायिक दर्शन होता है, और ये जो श्रद्धा से संबंध रखता है वो छायिक सम्यक दर्शन, ये अलग भाव होता है, इतना ही पर्याप्त है। नमस्ते मुनिश्री, शशि जैन जी मेरठ से प्रश्न कहती हैं, दर्शनावरणी कर्म का उपशमन हो सकता है क्या? आप थोड़ा सा कर्मों के स्वभाव के बारे में भी अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि शायद ये अभी आपको समझाया नहीं गया इसलिए इस तरह के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, है ना? कौन से कर्मों की क्या स्वभाव होते हैं, उनमें किस कर्मों में कौन से स्पर्धक होते हैं, उससे ये सब चीज़ें ज्ञान में आती हैं कि दर्शनावरणी कर्म का कभी भी उपशमन नहीं होता, वह हमेशा क्षयोपशम भाव के साथ ही रहता है। ज्ञानावरणी कर्म का भी कभी उपशमन नहीं होता, वह हमेशा क्षयोपशम भाव के साथ ही रहता है, ऐसा जानना है ना? श्री जिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तित्त
तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई।